हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे आपके पोटेशियम के बारे में। अक्सर हमसे पूछा जाता है, हमसे सवाल किया जाता है, ओपीडी में पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि सर हमारी डाइट में अक्सर आप कहते हैं कि आपको पोटेशियम रिच ऐसे डाइट लेनी चाहिए, अच्छी मात्रा में ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, कि क्या इम्पोर्टेंस है फूड की स्ट्रोक के पेशेंट में जो आपका कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पोटेशियम होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन रिच होता है, क्यों हमको लेना चाहिए। सो आप बेसिकली जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा रीज़न है आपके लकवे में या स्ट्रोक के बेसिकली ऐसे पेशेंट में, वो है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपके बढ़ने के बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, या आप जो चीज़ें खाते हैं, डाइटरी होते हैं, या जेनेटिकल भी होते हैं। ठीक, तो इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं जो आपका खान पान से रिलेटेड है। अक्सर ऐसे जो बीपी के ऐसे पेशेंट हैं उनका देखा होगा आपने कि वो जब नमक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मतलब कि सोडियम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सोडियम लेने की वजह से उनके जो शरीर में जो ब्लड प्रेशर के लेवल हैं वो शूट करने लग जाते हैं। तो अक्सर हम पेशेंट से कहते हैं कि आप जो है अपने बीपी के लेवल्स को मेंटेन करिए, आप अपना जो सोडियम का जो बेसिकली सॉल्ट का लेवल है उसको कम से कम करने की कोशिश करिए, या उसके स्थान पर आप साथ में ऐसा करिए कि अपनी जो डाइट है उसमें ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू करिए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। अब हम क्यों ऐसा कहते हैं कि आपको पोटेशियम लेना चाहिए, देखिए जिस तरह से सोडियम ज़्यादा हाई बीपी होने के लिए ऐसे ज़िम्मेदार है कि आपका जो बीपी शूट कर रहा है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए आपका नमक ज़िम्मेदार है, उसी तरह से आपका जो पोटेशियम है वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो भी ऐसे बीपी के पेशेंट होते होंगे, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं हम लोग भी हैं, उन्हें बताते हैं कि आप ऐसी डाइट लीजिए जिसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। तो पोटेशियम का बेसिकली ये काम है, साथ में बॉडी के और भी बहुत ऐसे ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, लेकिन साथ में पोटेशियम का एक अपना एक अहम रोल है। पोटेशियम बेसिकली क्या करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर का ऐसे लेवल है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रेगुलेट करने की कोशिश करता है। या अक्सर जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं कहते हैं कि सर मेरी जो मेमोरी की पावर है वो कम हो गई है, मेरे सोचने समझने की क्षमता पे असर पड़ा है। तो जब आप पोटेशियम अच्छी मात्रा में लेते हैं तो पोटेशियम का ये एक और काम है कि वो आपकी याददाश्त जो है उसमें मदद करता है कि वो अच्छी हो जाए, मतलब कि आपकी जो मेमोरी की पावर है उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है, बहुत ऐसे हेल्प करता है बॉडी में कि आपकी स्पेशली ब्रेन में कि आपकी जो कॉग्निटिव पावर है, मतलब आपकी जो मेमोरी की पावर है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए। साथ में स्ट्रोक के पेशेंट अक्सर एक चीज़ से बहुत ऐसे ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, वो है उनका तनाव, वो है उनका गुस्सा। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं एग्जैक्टली तो कोई ऐसी दवाई नहीं होती कि आपको तनाव के लिए या कि आपको सीधा के याददाश्त में ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन साथ में कुछ ऐसे फैक्टर हैं छोटे छोटे जिनकी मदद से आप अपने जो कंडीशन है, आपकी जो हालत है, आपकी जो दिक्कत है, उसे कहीं ना कहीं आप कम से कम लेके जा सकते हैं। तो उसमें पोटेशियम है, आपकी याददाश्त को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, आपका जो तनाव का लेवल है, आपके जो डिप्रेशन का लेवल है, जो स्ट्रेस है उसमें भी कहीं ना कहीं कम करने में आपका जो पोटेशियम है, आपका जो पोटेशियम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ऐसे मदद करता है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं कोशिश करेंगे कि अपनी जो डाइट है उसमें पोटेशियम की मात्रा को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अक्सर ये आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं, या आपने के डाइटिशियन से भी सुना होगा कि जो आपका केला है, जो बनाना है, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, तो आप जो है आप बनाना ले सकते हैं, या साथ में आप पालक ले सकते हैं, एवोकैडो जो है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, या ब्रोकली आप ले सकते हैं जिसमें बहुत सही मात्रा होती है पोटेशियम की, जो आपके शरीर के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके बीपी को रेगुलेट करता है। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो इम्पोर्टेंस मैंने पोटेशियम की बताने की कोशिश की है और उसका असर, उसका सकारात्मक असर आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने लगता है, वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं, या अगर आप सीधा पूछना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।